हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि टाटा टियागो का जो 5000 वाली ऑफ़र है बताने के लिए उसके बारे में। तो मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ कि 5000 वाली जो स्कीम है आपको पूरी तरह से समझाऊँ। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे मेल किए थे, बहुत कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछे थे, तो आज मैं उनके लिए और सभी के लिए हाजिर हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, टाटा टियागो जो है एक बेहतरीन ऑफ़र लाई है, 5000 वाली स्कीम की जो ऑफ़र है आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं। उससे पहले अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। द ऑटो ब्लॉक्स आपका ही चैनल है, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं डिस्काउंट के बारे में बता देता हूँ, जो टाटा जो टियागो जो कितनी आपको डिस्काउंट दे देती है ये गाड़ी। कंपनी आपको कैश डिस्काउंट दे देती है 15000, डायरेक्ट आपको 15000 कैश डिस्काउंट दे देती है। जो भी गाड़ी का प्राइस है 15000 डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो एक्सचेंज बोनस है, अगर आप कार कोई पुरानी कार एक्सचेंज करते हो तो 10000 तक मिल जाएगी एक्स्ट्रा आपको एक्सचेंज बोनस। उसके बाद इसके ऊपर भी आप 4999 मतलब 4999 वाला EMI आप अवेल कर सकते हैं, 5000 वाली EMI आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप टाटा टियागो का कोई भी नया वेरिएंट, नया गाड़ी खरीदते हैं तो मान लो आप 5 लाख के लिए लोन करते हैं, 5 लाख तक, तो आपको जो फर्स्ट 6 मंथ है आपको 5000 EMI पे करने पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले 6 महीने ड्यू टू COVID-19 जो अभी लोगों का रोज़गार पूरा ठप हो गया है, बंद हो गया है, तो इसीलिए टाटा एक बेहतरीन ऑफर लाई है। आप पहले 6 मंथ 5000 आप दे सकते हो EMI। उसके बाद जो 7th मंथ से 12th मंथ है, आप जो अगले 6 महीने आप दे सकते हो 8000 पर मंथ EMI। उसके बाद जो अप टू 59th मंथ तक मतलब 59वीं मंथ तक आपको पे करनी है 11000 पर मंथ EMI। और जो लास्ट EMI है वो सबसे बड़ी EMI है, सबसे आखिरी EMI है, जो 60th EMI है आपका 90000 बच जाएगा अगर आप 5 लाख तक लोन करते हो। तो इसी हिसाब से आपको 90000 पे करनी पड़ेगी एक साथ में, या फिर भी उसमें भी कंपनी दो ऑफर लाई है जो लास्ट EMI के लिए। आप चाहे तो 90000 एक साथ पे कर सकते हो, नहीं तो आप 90000 को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके ले सकते हो EMI। आपको जो छोटे छोटे बहुत कम आ जाएगी EMI, 90000 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि गाड़ी का जो वैल्यू है वो घट गया है, मैं 5 साल बहुत अच्छी तरह से चला चुका हूँ गाड़ी, तो आप चाहे तो गाड़ी कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको 90000 पे नहीं करनी पड़ेगी और आपको सिविल क्रेडिट जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो आपको आपका ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है जो COVID-19 में त्रस्त है हमारे लोग, भारत के लोग। तो इसीलिए टाटा ने, हमारी कंपनी है, भारत की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया ऑफर लाई है। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑन रोड प्राइस का 100% आपको फाइनेंस करना है, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो और आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है नहीं, तो आप 100% फाइनेंस करना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हो ये लोन। आपका 5000 वाली EMI जो स्कीम है वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से आपको जो उसी हिसाब से EMI आ जाएगी। आप डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म 16 एक है, आपको फॉर्म 16 भर के देना पड़ेगा। उसके बाद 3 to 6 मंथ आपको 3 महीने से 6-6 महीने तक आपको सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद 6 चेक आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपको KYC करना पड़ेगा, KYC के लिए आधार देनी पड़ेगी, बैंक पासबुक का जेरोक्स देनी पड़ेगी जो फ्रंट पेज का, उसके बाद पैन कार्ड देनी पड़ेगी। अगर ये आप सब देते हो तो आप 100% तक लोन कर सकते हो टाटा टियागो का किसी भी वेरिएंट में। और अगर आपके पास ये सब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं हो, तो आपका ITR है 3 लाख से ऊपर 2-3 साल का, तो आप भी ये लोन अवेल कर सकते हो। बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या उनके पास कोई 3 लाख के ऊपर का ITR नहीं है 3-2 साल का, तो वो भी ये लोन अवेल कर सकते हैं। हालांकि ये लोन नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एक्चुअली वो लोग जो अवेल करेंगे 85% से 90% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, जो गाड़ी आप लेते हो उसके एक्स शोरूम प्राइस का 85 से 90% तक आप लोन कर सकते हो।
आप चाहे तो, और ये 5,000 वाली स्कीम भी अवेल कर सकते हो आप चाहे तो। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, और देनी पड़ेगी कुछ चेक्स देनी पड़ेगी। तो ये सब आप चाहे तो ये लोन भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कमेंट देते हो या लाइक करते हो मेरा हौसला बढ़ता है तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना हो एक्स्ट्रा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और किसी भी शहर का, किसी भी सिटी का आपको ऑन रोड प्राइस चाहिए किसी भी गाड़ी का, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे फिट, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।